लेट को यार ऐसे पूरे डेटा मरा गया माशाल्लाह से सारे खुश है, सारों के अपने आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज शाहिद एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। भाई काफी टाइम से हमने कोई व्लॉग श्लॉग अपलोड नहीं किया क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं था भाई व्लॉग श्लॉग बनाने का। तो आज हमारे पास टाइम है तो मैंने कहा चलो भाई व्लॉग भी बना देते हैं। अभी तकरीबन रात के 8:30 बज रहे हैं जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि हमारे भाई आ रहे हैं भाई सऊदी अरब से गुल भाई। तो मैंने कहा चलो भाई व्लॉग अभी से ही स्टार्ट कर देते हैं। अभी मैं आया हूँ हेयर ड्रेसर से होके, कटिंग शटिंग मैंने कर ली है भाई, बाकी बच्चों की कटिंग शटिंग रहती है। तो अभी हमने हेयर ड्रेसर को बुलाया है घर पे, आप आ जाए और इधर ही बच्चों का हेयर कट करवा ले। तो अभी वो भी आने वाला है, हमने निकलना है सुबह तकरीबन 6:30 तक के आसपास हमने निकलना है घर से। तो अभी सबसे पहले भाई जो काम रहता है तो मैंने कहा चलो वो काम कर देते हैं, फिर बाकी बातें बाद में करेंगे। भाई फादी भी पहुंच गया, भाई फादी की कटिंग शटिंग मैंने नहीं की। फादी आप वस्तुम ने जुड़ गया दा वाले दा ने कड़ी करने वक्त से बस मड़ा काम में कर दे। हेयर ड्रेसर अजी ताला कटिंग मटिंग की ठीक शुआ रागल ना करा रागल ने। हां ठीक है भाई, हेयर ड्रेसर हमारा पहुंच गया है, अभी हम जाते हैं इसकी कटिंग शटिंग करते हैं, बाकी देखेंगे भाई कि आगे फिर क्या सीन होता है। स्टे विद अस। सुबह के 6 बज रहे हैं, उठने का बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा था क्योंकि नींद ही पूरी नहीं हुई भाई क्या करें, लेकिन फिर भी उठना पड़ा क्योंकि लेट हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल अंधेरा है, लेकिन अभी मैं उठा हूँ, जल्दी से मैं फ्रेश होता हूँ, कपड़े शपड़े चेंज कर देता हूँ, उसके बाद जो है फिर नाश्ता वाश्ता करके फिर हम यहाँ से निकलते हैं। नाश्ता वाश्ता आपके भाई ने कर लिया है भाई, अभी मैं सिर्फ इस चीज का वेट कर रहा हूँ कि सारे जो है नाश्ता कर ले इकट्ठे, फिर हम यहाँ से निकलते हैं। यार अभी तकरीबन हमने निकलना था 6:30, 7 बज रहे हैं, कुछ भी रेडी नहीं हुआ क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था तो किसी का उठने का दिल ही नहीं कर रहा था। अब जब उठे हैं तो किसी ने नाश्ता नहीं किया, किसी के कपड़े नहीं रेडी, सारे जो है मामले इधर उधर है। यहाँ पे आप मौसम भी देख सकते हैं, बिल्कुल मजे का मौसम है। व्यू चेक करें भाई, गाड़ी को मैं आपको दिखाता हूँ, वो सामने गाड़ी खड़ी है, यहाँ से गाड़ी लेंगे और फिर यहाँ से इंशाल्लाह निकलेंगे इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरफ गुल भाई को पिक करने इंशाल्लाह। ये बंदा भी भाई जाने के लिए रेडी है, लेकिन ये बहुत छोटा है यार। एहसन तजी मुंगसरा मुंगसर जी अन किजुअन, ये भी उठ गया है कि मैं भी जा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत छोटा है। क्यों एहसन, रास्ते में फिर तंग करेगा ना। ये कहता है मैं खुद ब्लॉग बनाता हूँ, आप बनाते हो, चलो बनाओ ब्लॉग। अच्छा ये इतना सारा सामान क्यों लेकर जा रही हो? ये मैं रास्ते में खाऊंगी, अकेले खाओगी? हाँ। सो फाइनली बड़े वेट के बाद हम यहाँ से रवाना होंगे। क्यों फादी तैसे लेट को यार ऐसे पूरे डेटा मरा गया, गजब बेइज्जती है। स्टॉप बसर लेट चुरा था तैयारी ली ननू कितने तैयारी ली। ये सामने गाड़ी खड़ी है। अमीर सेब, अमीर सेब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमीर सेब की वजह से लेट हो गए भाई ये। नहीं यार, अमीर सेब आए नहीं रहा था घर से, क्या करे। एक अस्सलाम वालेकुम। ये तो बहुत सारे बंदे भाई ऊपर बैठे हुए हैं, सारे जा रहे हो? हाँ जी। ठीक, किधर जा रहे हो? इसको निकालो। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी जा रहे हो? हाँ हम भी जा रहे हैं। चलो गाइस, हम बेटे पे बैठ चुके हैं, इन्हें अभी तक भूख लग चुकी है। देखिए अभी हम बेटे नहीं है, तैयब को भूख लग गई है, खा रहा क्योंकि अभी हमने सुबह सुबह ही नाश्ता किया है। और ये सभी लोग देखे, इनसे सब्र नहीं हो रहा कि जैसे वीडियो में बता रहा है कि पापड़ खा रहे, लेकिन हम पापड़ खा नहीं सकते। इसलिए भी सुबह सुबह आ रहा है, बोल रहे हमें शीशे की तरह बेटा है, हम बोले एब्सोल्युटली नॉट। हमने पहले लिया। तैयब आप कहाँ जा रहे हैं? इस्लामाबाद। क्यों जा रहे हैं? इसलिए तुम्हारा क्या आ रहा है? चलो गाइस, इसको तो नहीं पता, चलो हम मोहम्मद से पूछते हैं। मोहम्मद कहाँ जा रहे हो तुम? इस्लामाबाद में। साले का खोपड़ी तोड़।
पहुंच गए भैया इस्लामाबाद एयरपोर्ट। हाँ दो हम भी पहुंच गए इस्लामाबाद। सारे पहुंच गए भाई। गाइस हम इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, अब हम जा रहे हैं किधर? मामू के पास। जहाज भी अल्हम्दुलिल्लाह से लैंड हो चुका है, अभी जैसे ही बाहर निकलते हैं ना तो फिर भाई इंशाल्लाह उसके साथ मीटअप भी करते हैं। फिलहाल ये मेरे साथ यहाँ पे बच्चे खड़े हैं, ये मेरे जिम्मे है। माशाल्लाह से बच्चे काफी सारे आए हैं हमारे साथ। फादी ये भी हमारे जिम्मे लगाए भाई। फादी तो चाय इंतजार के भाई, पापा इंतजार का है। पापा कब से कितने उस पर आजी आयशा बस मंडप और बस वही कहना है वही बा बस ठीक है भाई। मुफ्ती साहब भी हमारे साथ आए हुए हैं, साथ में अली है। मैं भी आई हूँ गाइस, मुझे बुला। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ये कह रहा है मैं भी आया हूँ गाइस, मुझे भी देखें, इसको देखें यार। वो अली इसको सिर्फ इंग्लिश समझ आती है, बाकी ये पश्तो वश्तो नहीं करता। क्यों मौलवी साहब? झूठ बोलो। एयरपोर्ट आपका भाई पहुंच गया भाई, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक हो गई कि मैं घर से हार शार नहीं लेकर आया। अब यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा कोई एयरपोर्ट में, अगर मिल जाए तो बढ़िया चीज होगी, अगर नहीं मिले तो भाई फिर किस्मत ही खराब है, क्या कर सकते हैं। ओह भाई बड़ा घूमने के बाद जो है ना, काफी घूमा हूँ उसके बाद जो है मुझे माला अल्हम्दुलिल्लाह से एक मिल गया है। चलो ये भी काफी है ना, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। चलो ये भी अच्छा है, तो करे कि बस ये भी मिल गया है। अब माला तो मिल गया है, भैया तो आ रहा है, लेकिन उससे पहले जो है हम इसको पहना देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मेरे ख्याल से ये भी सऊदी अरब से आया है क्योंकि काफी दूर खड़ा था, तो मैंने कहा चलो इसको ही पहना देते हैं। चलो भाई फिलहाल हम खुद पहन लेते हैं, जब टाइम आएगा ना तो इंशाल्लाह फिर देखा जाएगा कि किसको हम पहनाते हैं इंशाल्लाह। हम यहाँ से जाते हैं नीचे, फ्लाइट ऑलमोस्ट लैंड हो चुकी है, तकरीबन 10-15 मिनट तक वो बाहर आ जाएंगे इंशाल्लाह। हम पाकिस्तानी आवाम है भाई, लिफ्ट के थ्रू जा रहे थे लेकिन वहाँ पे इतनी ज्यादा रश है, हमने कहा चलो भाई सीढ़ियों से ही गुजारा कर लेते हैं। चल झूठा, बाकी सारे चले गए हैं तो हम दोनों माले के पीछे आए थे। वैसे मजा आ रहा है, कहते हैं ना कि मजा आ रहा है, वही वाला सीन हो रहा है हमारे साथ। हाँ बच्चे हाय करो। गजब बेइज्जती है। नहीं कर रहा भाई, बच्चे भी आजकल जो है हमसे बातचीत नहीं कर रहे, क्या कर सकते हैं। हमारे वाले थोड़े शैतान हैं, लेकिन वो गए हैं नीचे तो अभी उनके पास ही जाते हैं इंशाल्लाह। पहले यहाँ तक तो अल्हम्दुलिल्लाह से पहुँच गए हैं, अब उनको ढूंढते हैं कि गए कहाँ पर, नजर नहीं आ रहे ना, इतनी ज्यादा रश है वहाँ सामने, शायद आप लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा कि कैमरा काफी वाइड एंगल पे है तो शायद आपको इतनी रश नजर नहीं आ रही होगी। हाँ मिल गए, ये सामने ही खड़े हैं मुफ्ती साहब। भाई बस निकलने वाले हैं भाई, भाई जान कह रहे हैं कि भाई बंदा आ गया, आप लोग किधर थे? तो मैं माले के पीछे गया था तो तभी लेट हो गया यार, क्या कर सकते हैं। इधर देखे भाई, भीड़ को देखे, माशाल्लाह से सारे खुश है, सारों के अपने आ रहे हैं, अल्लाह पाक सबकी हिफाजत फरमाए। चलो भाई बंदा आ गया है, उसके साथ उधर ही मिलते हैं यार, क्या कर सकते हैं। उधर से आपको नजर ही नहीं आ रहा होगा, ये देखे भाई दुआ, ये आ गए भाई माशाल्लाह से। हमारा तो चांस ही नहीं बन रहा भाईजान, आगे इतनी ज्यादा भीड़ है, क्या कर सकते हैं। हम तो मिल भी गए, चले ये आगे वाले मिल ले, फिर बाद में हम कबड्डियों की तरह मिल लेंगे। दो घंटे से हम वेट कर रहे थे भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, बखैर बखैर सगा जल्दी खैरियत सर है, खैर जुड़े खैरियत सर वाले भाई पहुंच गए भाई अल्हम्दुलिल्लाह से। भाई जान वैसे बंदे ने क्या हीरो की तरह एंट्री मारी है यार, एम के शन के लगाई हुई है। हाँ मुन्नी से सगा जल्दी, अभी अगली बारी हमारी है इंशाल्लाह, मेरे ख्याल से जाएंगे इकट्ठे इंशाल्लाह 27 फरवरी को। 27 फरवरी को बस फिर आपको इंशाल्लाह छोड़ने हमें चले जाएंगे। चार देखे बाद या अस्तग़फ़िरुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह भाई सर हम पहुंच गए हैं, ऐसे भी मेरे साथ है, ये भी पप्पा जी का वेट कर रहा था, भी थक गए हैं, अभी जो है आराम करते हैं इंशाल्लाह। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा, मिलता है नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।